प्लेसेस पे जब भी बाहर निकलते होंगे ये ट्रैफिक में कहीं फंसते होंगे तो आप देखते होंगे गरीब लोग भीख मांग रहे होते हैं, फ्लाईओवर के नीचे बैठ रहे होते हैं, कुछ कुछ बच्चे रोटी भी कहीं अगर पड़ी भी होती है तो उठा के खा लेते हैं, कोई अपना झूठा भी दे दे तो भी खा लेते हैं। मतलब ये लोग वो लोग हैं जो भीख मांग कर जो भी इनको काम मिल जाए वो कर कर एक दिन के 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये कमा कर कभी कभी तो ये इतने भूखे होते हैं कि किसी से छीन भी लेते हैं, और किसी का किसी भी तरीके का झूठा हो जब ये लोग भूखे होते हैं ना तो ये लोग वो भी खा लेते हैं। ये सब जो आप फोटोज़ देख रहे हैं जहाँ इनको थोड़ा रहने का मिल जाए, रोड पे बैठ के रोटी बना ली, क्योंकि जब इंसान को भूख लगती है ना तब वो नहीं देखता कि वो क्या खा रहा है, किस जगह खा रहा है। और ये जो भूख है ना गरीब लोगों की, ये इनको सब कुछ करने पे मजबूर कर देती है। आप इन सब फोटोज़ को देख के जानना चाहेंगे कि इंडिया में ईयरली कितना फूड वेस्टेज होता है। उस फूड वेस्टेज में आप लोग भी हैं और उस फूड वेस्टेज में मैं भी इंक्लूड हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं भी करती हूँ। 78.2 मिलियन टन ईयरली बेसिस पे सिर्फ इंडिया में खाना वेस्ट होता है, और ये हर कंट्री का अलग अलग नंबर्स हैं। 78.2 मिलियन जस्ट फॉर इंडियंस। सो क्या हम आज से ट्राई कर सकते हैं कि सिर्फ उतना ही खाना लें, उतना ही खाना खाएं जितना हम खा सकते हैं, और क्या वो थोड़ा खाना बचा के हम इन गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं?